टेक्नो ट्रेवल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अबिन और इस वीडियो में आपको टॉप 3 बेस्ट एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो एक ट्रेन ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ट्रेन ट्रैवलिंग को अगर हम ब्रॉडली देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री बुकिंग, जिसमें हम अपना स्टेटस देखते हैं, ट्रेन अवेलेबिलिटी देखते हैं, सीट अवेलेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद आता है टिकट बुकिंग। टिकट बुकिंग हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी है इनसाइड ट्रेन। जब हम ट्रेन के अंदर रहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कौन सा एप्लीकेशन अपना ट्रैवलिंग मोर ईजियर बना दें, ये एप्लीकेशन के बारे में आज बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। प्री बुकिंग में बेस्ट एप्लीकेशन है इजी गो ट्रेन। इजी गो ट्रेन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि पीएनआर स्टेटस। एक बार आपने पीएनआर स्टेटस इनपुट किया, आपके सारे ट्रिप वो रिकॉर्ड होता है और आपको अपना जैसे ही पीएनआर स्टेटस अपडेट होता है आपको अलर्ट आता रहेगा। उसके साथ आप कोच पोजिशन सब कुछ वहीं के वहीं दिखाता रहेगा। नेक्स्ट इसमें ये फीचर है कि सर्च ट्रेन, जैसे कि आप सर्च कर रहे हैं मरगांव टू मुंबई एंड डेट डाल दिया आपने 11th February 2017, और जैसे ही आप सर्च करोगे आपको इतने सारे ट्रेन के पूरे लिस्ट दिखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ए टू जेड डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो वही टैब में आपको स्लीपर अवेलेबिलिटी, थर्ड एसी का अवेलेबिलिटी एंड सेकेंड एसी का अवेलेबिलिटी साथ साथ आप देख सकते हो हर ट्रेन का टाइमिंग वाइज, उसका कितना टाइम लगता है जाने का एंड उसका फेयर एक ही स्क्रीन में दिया है, जो कि बहुत कम एप्लीकेशन में इतने डिटेल एक स्क्रीन में देते हैं। और ये चीज़ देखने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन में 3, 4, 5, 10 बार क्लिक करनी पड़ती है, और यही चीज़ ये एप्लीकेशन को सबसे अलग बनाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो ट्रेन है उस पर क्लिक करते ही आपको अवेलेबिलिटी दिख जाती है, ये पूरी एक हफ्ते की आपको दिख जाती है, वो भी स्लीपर थर्ड एसी सब कुछ अलग करके। और आप उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी देखना चाहते हो तो पूरे मंथ वाइज पूरे अवेलेबिलिटी बताता है वो। उसके अलावा है इसमें रूट, जैसे आप रूट पर क्लिक करते हो पूरा उसका रूट दिखा देता है ट्रेन का, और आपको पता लगाना एक पर्टिकुलर स्टेशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म में आ रहा है, तो जस्ट आपको स्टेशन पे क्लिक करना है और बता देता है कौन से प्लेटफॉर्म में आए। और इसमें है सीट मैप, द बेस्ट चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है यह है कि इसमें पूरा इलस्ट्रेट किया हुआ है कि एक स्लीपर में या एसी ट्रेन में सीट के अरेंजमेंट कैसा है। अब जैसे ही आपका सीट पता लग जाता है आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो कि आपका ट्रेन लोअर रहेगा अपर रहेगा। उसके अलावा यह है ऑफलाइन रूटिंग, अगर जैसे आप के पास ट्रेन ट्रैवलिंग के टाइम पे डेटा अवेलेबल नहीं है तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो और आप वाइल ट्रैवलिंग ऐप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इजी गो ट्रेन्स लोकल ट्रेन और मेट्रोस के लिए भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है टिकट बुकिंग के लिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा IRTC का अपना एप्लीकेशन यूज़ करें। आप देख सकते हो जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और बहुत ईजी बना दिया अभी एप्लीकेशन को। पहले बहुत कॉम्प्लिकेशन थे बट अभी UI भी बहुत ईजी बना दिया। आप डायरेक्टली आपका डेस्टिनेशन डाल के डायरेक्टली सर्च करो एंड आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो। यहाँ मैं शबरी एक्सप्रेस के लिए बुक कर रहा हूँ स्लीपर बुक, एंड डायरेक्टली पैसेंजर डिटेल डाल दिया मैंने एंड ये रहा मेरे टिकट्स। काफ़ी आसान बना दिया है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है इनसाइड ट्रेन। इनसाइड ट्रेन के लिए मैं बेस्ट एप्लीकेशन रेकमेंड करूँगा वेज में ट्रेन। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि इसमें ना इंटरनेट लगती है ना GPS लगती है, बस आपके सेल टावर से आपका ट्रेन का लोकेशन ट्रैक करके बता देता है। जैसे ये ब्लू आइकन दिख रहा है ट्रेन का, वो बताता है कि मैं तिरवला स्टेशन पे हूँ। इसमें ना इंटरनेट लगती है, डायरेक्टली आपका सेल टावर ट्रैक करके बताता रहेगा आपका ट्रेन कहाँ पे है। उसके साथ इसमें PNR स्टेटस भी देख सकते हैं और सीट अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। तो ये था बेस्ट 3 एप्लीकेशन फॉर ट्रेन ट्रैवलिंग। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट योर सजेशंस।